तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो क्या ना? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। चुरा लूंगी मेरे म्यूजिक में। हर शायरा को शादी कर लेनी चाहिए, शोहर अच्छा मिले। फिल्म होगी टीनेजर्स के लिए, क्या ये फिल्म बनानी चाहिए टीनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या विकी कौशल और कृति सैनन सही है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए? क्या चेंज हो सकते हैं इस फिल्म की कहानी में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। रहना है तेरे दिल में एक ऐसी एपिक लव स्टोरी वाली फिल्म थी कि अगर आज के टीनेजर्स इस 2000 की कल्ट रोमांटिक फिल्म को देखेंगे तो उनके प्यार को लेकर मायने ही बदल जाएंगे और वो ये जरूर चाहेंगे कि काश ऐसी कोई फिल्म हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाई जाए। और अगर आजकल की OTT फिल्म्स और सीरीज पर नजर डाली जाए तो उसमें ज्यादातर फिल्म्स टीनेजर वाली ही होती हैं, फिर वो नेटफ्लिक्स की नेवर हैव आई एवर हो या फिर नेटफ्लिक्स का ही KD रामा और बीलव्ड समर हो। लेकिन हमारा बॉलीवुड अभी इस टीन वाले जॉनर में कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अब जब इस एपिक मूवी का रीमेक बनने जा रहा है तो इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी है कि इसे एक टीनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने की पूरी कोशिश की जाए। लेकिन अगर ये फिल्म एक टीन फिल्म होती है तो इस फिल्म के लिए जिन दो एक्टर्स का नाम सामने आ रहा है, क्या वो कॉलेज स्टूडेंट्स का रोल प्ले करने के लिए सही होंगे? कहा जा रहा है कि इस फिल्म में हमें एज अ लीड रोल विकी कौशल और कृति सैनन नजर आने वाले हैं। अगर हम विकी की एज की बात करें तो वो 34 ईयर्स ओल्ड है और वहीं कृति भी 32 साल की है, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये दोनों एक कॉलेज स्टूडेंट्स लगेंगे। वैसे बॉलीवुड में ये पॉसिबल भी है क्योंकि हमने 3 इडियट्स में आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी जैसे एक्टर्स को कॉलेज स्टूडेंट्स के रोल में देखा था, जबकि उस दौरान उनकी एज 35 या 38 से भी काफी ज्यादा थी। और साथ ही मैं हूं ना में किंग खान भी तो बने थे एक कॉलेज स्टूडेंट। अगर कृति की बात करें तो वो भले ही 32 साल की हो फिर भी वो एक कॉलेज स्टूडेंट आसानी से बन सकती है। विकी की बात करें तो उनके लुक्स के तो सभी दीवाने हैं और साथ ही वो एक वर्सेटाइल एक्टर भी हैं, तो वो भी ये रोल आसानी से प्ले कर सकते हैं। ये तो बात थी कि ये फिल्म एक कॉलेज ड्रामा होगी, लेकिन अगर बात की जाए इसकी ओरिजिनल फिल्म की तो उसमें लड़का और लड़की कॉलेज में तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिल्म में मेन लीड्स यानी माधवन और सैफ की कॉलेज लाइफ जरूर दिखाई गई है। तो रीमेक में ओरिजिनल से क्या क्या बदल जाएगा, तो उसमें सबसे पहले तो कहानी का पूरा मॉडिफाई किया जाएगा और उसके बाद इस बार हमें दो एक्ट्रेस और एक एक्टर का लव ट्रायंगल नजर आएगा। साथ ही ये दोनों ही लड़कियां एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स होंगी, जबकि ओरिजिनल में जो दोनों लड़के थे वो एक दूसरे के रिवेल थे। साथ ही बात करें कौन करेगा सैक्रिफाइस, तो लास्ट टाइम तो सैफ ने सैक्रिफाइस किया था, लेकिन इस बार जो एक्ट्रेस सैफ जैसा रोल प्ले करेगी उसके थोड़े डार्क शेड्स भी नजर आ सकते हैं। साथ ही अगर इस फिल्म को आज के यूथ के हिसाब से बनाया जाएगा तो इस फिल्म की काफी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, इसे देखने में काफी मजा आएगा। आपको कौन सी कॉलेज रोमांस वाली फिल्में पसंद है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।